हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल शेयर की, जिसमें अभी वर्तमान में अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। हालांकि इसमें एक चीज़ जो कि निकल के आई है, वो सोमवार से ट्रेडिंग इसमें बंद हो गई है। तो इस एक दिन का चार्ट पैटर्न आपको इसमें कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, ना सेल हो रहा है ना बाइंग हो रही है। जिसके पास जो होल्डिंग है वो बनी हुई है, और वो होल्डिंग कुछ लोग ये परेशान हैं कि उनके अकाउंट में जो होल्डिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे बस एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि आप इसमें परेशान न होए, आपका ये NCLT प्रोसेस से ये गुजर के फाइनल हो जाएगा। आपका शेयर जो है आपके होल्डिंग में पुनः दिखाई देने लगेगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान न होइए। और मान लीजिए अगर कुछ ऐसा डिसीजन हो जाता है जिसमें कुछ रेशियो को बदले कुछ ही शेयर मिलेगा, या फिर डीलिस्टिंग से संबंधित कुछ प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है, ऐसा कुछ निर्णय हो जाता है, तब आपके शेयर पे तो कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ निर्णय नहीं होता है तो आपका शेयर बिल्कुल भी सुरक्षित है। आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। आपका शेयर आपके होल्डिंग में दिखेगा, आपके पोजीशन में दिखेगा, जैसे ही ये NCLT की प्रक्रिया जो है, जो रिलायंस कैपिटल कंपनी है जो NCLT में गई हुई है, और जिसको हिंदुजा ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो खरीदने के लिए आगे बढ़ रही है। तो अगर ये प्रक्रिया पूरी फाइनल हो रही है तो हिंदुजा ग्रुप अगर खरीद ले रहा है, तो उसके बाद इसमें जो प्रक्रिया होगी तब वो सामने आएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके हम अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, तो हालांकि इसमें चार्ट पैटर्न आज का तो कुछ दिखाई नहीं है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग बंद है। लेकिन अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें लगभग 10% का इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम इसके एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 26% का इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने लगभग 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम पूरे इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये देख रही है चार्ट, इसका लाल में ही चार्ट दिखाई दे रहा है, जो आपको ये देख कर ही लग रहा होगा कि आखिर ये प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है NCLT की, ये इसी कारण अपनाई जा रही है। अब चार्ट पैटर्न को देख कर ही लगा सकते हैं कि NCLT में जाने लायक कंपनी थी ही। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं BSE की वेबसाइट पर, देख लेते हैं इसे कुछ संबंधित कुछ अपडेट आए हुए हैं क्या। तो दोस्तों, हम आ गए हैं BSE की वेबसाइट पे। तो वही इसमें जो पहला, जो कल आपको हम बता ही चुके हैं कि इसमें जो पहला अपडेट आया हुआ है वो ट्रेडिंग जो प्रतिबंध है वो तो लगाया गया है। इसमें सीधा सीधा साफ लिखा है कि इसमें ट्रेडिंग प्रतिबंध IBC का कारण लगाया गया है, जो कि NCLT वही जो आप जानते हैं कि नेशनल एक ट्रिब्यूनल है जिसमें इस कंपनियों को, जो भी कंपनी डेप्ट नहीं दे पाती है और अपनी कर्जे नहीं चुका पाती है, तो उससे संबंधित जो बैंक होते हैं वो NCLT में अप्लाई कर देते हैं, ताकि जो है कंपनी को बेचकर हम अपना कर्ज वापस ले सकें। तो वही इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो इसके बाद इसमें साफ साफ लिखा है कि IBC के बाद पुनः आरंभ की जाएगी, जैसे ही IBC यानी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपका ये ट्रेडिंग सेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं बार बार कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए, क्योंकि इतने मैसेज आए हुए हैं कि सर ये बता दीजिए कि कैसे क्या होगा क्या। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होइए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और हम इसके न्यूज़ की बात करें आगे है क्या, ये तो चार्ट पैटर्न तो मिलेगा नहीं आज का, क्योंकि इसमें कुछ ट्रेडिंग हुई नहीं तो चार्ट पैटर्न मिलेगा ही नहीं। इसके अगर हम न्यूज़ आई की बात करें तो 10 तारीख की न्यूज़ आई थी, तो जिसको कल हमने दिखाया था कि इसमें 49th जो मीटिंग हुई थी वो उसी के बारे में सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया गया था SEBI को कि हाँ यही हमने मीटिंग करी है, जिसमें निर्णय क्या हुआ है इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों की डिलीवरी पैटर्न की बात करें तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो लोग परेशान हैं कि उनका होल्डिंग गायब हो गई है उनके अकाउंट से, तो उनको बस ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए, 7 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग हुई है, 7 जुलाई के ट्रेडिंग जो हुई उसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। उसके पहले भी 6 जुलाई को या 5 जुलाई को 4 जुलाई को 100% की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है वो 7 जुलाई को हुई है, यानी 10 जुलाई को कोई ट्रेडिंग हुई ही नहीं थी। और हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो है इसमें जो IRP Stage 1 है उसमें अगर कोई कंपनी चली जाती है तो आपका जो होल्डिंग है वो शो नहीं करेगा, और ये तब तक शो नहीं करेगा जब तक ये NCLT की प्रक्रिया फाइनल नहीं हो जाए। और ऐसा आप रुचि सोया के केस में ऐसा ही हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होइए। अब देखिए आगे क्या होता है, अब जो भी इसके संबंधित जो भी न्यूज़ आएंगी तो हम आपको इसके लिए भी इन्फॉर्म करते रहेंगे। और आप लोग ऐसे लाइक सपोर्ट बनाए रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ में घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।